शहदा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे एक मरीज़ ये दवा लेके गए थे, आज आए हैं, ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी, अब मैं बात करूँगा वीडियो पे ही। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा भाई मदीना शरीफ में कब से हैं? मैं मदीना शरीफ में तो अभी साल भर से है, लेकिन पहले मक्का में थे 12 साल से। 12 साल से सऊदीया में? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो वैसे क्या काम है आपका? क्या मेरा ड्राइवरी का काम है। किसका? ड्राइवरी। ड्राइवर? ड्राइवर है आप। वैसे कहाँ से हैं आप, किस मुल्क से? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। अच्छा मुस्तफा भाई ये बताएं, शुगर कब से है आपको? शुगर तो मेरे को 2017 से तकरीबन 5 साल 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल से शुगर है। अंग्रेजी दवाएं भी कभी कभार लेते थे तो उस वक्त शुगर कितनी होती थी पहले आपकी, जब मेरे पास आए थे उससे पहले? उससे पहले दवाई लेने के बाद फास्टिंग कभी 100 ऐसे भी आ जाती। अंग्रेजी दवा? हाँ। अच्छा 100, उसके बाद क्या नाम लेते हैं, खाने के बाद 150-160 ऐसे रहता था। अंग्रेजी दवा खाने के बाद? खाने के बाद दवा छोड़ दो तो 270 ऐसे चला जाता था। अच्छा। और जब आपने हमारी दवा ली तो फिर अंग्रेजी दवा से जान छूट गई? अंग्रेजी दवा बंद हो गया, मैं उस दिन से कोई दवा अंग्रेजी नहीं खा। और शुगर कंट्रोल है? शुगर अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद, अभी मैं आज चेक किया हूँ 2 घंटा खाने के बाद, तो उस समय मेरा 190 आया है। और नार्मो चेक किया था खाने के बाद? मैं चेक किया था आज नहीं 3-4 दिन पहले, तो मेरा 103 था। और अब कल परसों मैं चेक किया हूँ फिर एक नहार मुँह, मतलब 8 घंटा का, तो 140 था ऐसे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है? पहले क्या था ना, मेरे को पूरा बदन में सुस्ती जैसा रहता था, एकदम थका सा, कोई काम करने का दिल नहीं करता था, एकदम लगता था सोते रहूं, मतलब मैं सोता था ना तो 10-15 घंटा सोते रहता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका दवा खाने से ये हुआ कि 8-10 घंटा 5-6 घंटा के बाद नींद खुलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बदन फ्रेश रहता है। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा कुछ सवालात में पूछ